प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के लिए बोल गए ऐसी बात जो शायद आज तक नहीं बोली किसी नेता ने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा सीमा पर गर्मा गर्मी बनी रहती है। आए दिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर किया जाता है और ऐसे में सीमा पर हमारे देश के जवान शहीद होते रहते हैं। हमारे देश के अलावा और भी देश ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद को रोकना चाहिए। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि भारत का पाकिस्तान के जनता के साथ कोई झगड़ा नहीं है और उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। मोदी ने एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि जहां तक भारत का संबंध है, पाकिस्तान के पास आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमारा पाकिस्तान की जनता के साथ कभी झगड़ा नहीं था और आज भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में ये भी कहा कि 26/11 के हमले को अंजाम दिया गया, हमारे सारे सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए और अपराधियों को सौंपे जाने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उस हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली और उसके बाद भी पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।